आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए मैंगो चीज़ केक, जो खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में सिर्फ 12 से 15 मिनट लगता है और बहुत ही इंस्टेंट बनकर रेडी होता है। तो चलिए इसे घर पे बड़े आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना गैस जलाए। तो चलिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे एक बड़े साइज़ का पका आम। अब इसे छील के कट कर लेंगे। तो आधा आम मैंने छोटे साइज़ में स्लाइस में कट कर लिया है, छोटे छोटे स्लाइस किए हैं, और आधे आम की हमें प्यूरी बनानी है। तो बस इसे एक साइड रख लेंगे छोटे साइज़ में कटे हुए आम को, और बाकी की प्यूरी बनाएंगे। तो इसे बड़े साइज़ में कट कर लिया है, ऐसे ही सारे आम को हमें कट कर लिया है, गुठलियाँ अलग कर देनी है। और जो हमने बड़े साइज़ में कट किया है ना, उसे डालेंगे मिक्सी जार में और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए ग्राइंड कर लिया है। अब इसे ना इसमें थोड़ा डालेंगे 4 चम्मच दूध, ये खाने वाला चम्मच है, उसी चम्मच से डाल रही हूँ। मैंने वीडियो बिल्कुल को भी कट नहीं किया है, आप देख सकते हैं जितना जो भी डाला है। और ये मैंने मीडियम साइज़ का चीज़ केक बनाया है। तो बस आधी प्यूरी हमने अलग कर ली है, दूध डाल के पीसा था, और फिर आधी प्यूरी अलग की है, और आधे में हमने डाला है 3 चम्मच चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 4 से 5 कर सकते हैं। और यहाँ पे डाला है, अब ये चीज़ केक है तो यहाँ पे हमने डाला है 1 चीज़ क्यूब। तो यहाँ पे मोजरेला चीज़ नहीं डाली है, आपको चीज़ क्यूब डालना है। और यहाँ पे डालेंगे हम पनीर। तो ये देखिए ये लगभग 1 कटोरी के करीब पनीर डाल दिया है टुकड़ों में करके। और यहाँ पे डाला है दही, जिसे हमने छन्नी में रख दिया था, उसका सारा पानी निकल गया है और गाढ़ा गाढ़ा दही बचा है। बस ऐसे ही डालना है, आपको पानी सहित लिक्विड वाला दही नहीं डालना है, उसे छन्नी से डाल के रख दीजिए, उसका पानी हट जाएगा और फिर उसको डालना है। और बस उसे हमने ग्राइंड कर लिया है सारी चीज़ों को, और फिर एक साइड रख देंगे। अभी हमने बिस्किट लिया है, तो बिस्किट को भी हम अच्छे से इसे देखिए वो अदरक कुटने वाली कुटनी होती है ना, उससे ही कोट लिया, यानी इसमें ग्राइंड करना है। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं, टोटल ऑप्शनल है, आप जैसे चाहें इसे कर सकते हैं। बस इसे बिल्कुल अच्छे से हमें बारीक करना है। और ये देखिए मैंने बिना मिक्सी के ही कर लिया है, और इसे डाल दिया है घी, और घी हमें उतना डालना है जितने में ये लड्डू बनने लगे, लड्डू जैसा बनने लगे ना, बस उतना ही घी या बटर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी डाला है, और बस एक कोई चीनी या फिर आपके पास केकिंग हो उसमें डाल सकते हैं, या फिर ये देखिए मैंने स्टील का डिब्बा लिया है, खाना सिंपल सा लंच बॉक्स वाला डिब्बा है, उसी में डाल दिया है। और इसे ना अच्छे से ग्लास से सेट कर देना है दबा दबा कर, ताकि ये उसमें अच्छे से सेट हो जाए। और फिर ऊपर से जो चीज़ वाली हमने बनाया था ना दही पनीर डाल के, उसे डाल देना है। और फिर उसके ऊपर से हमने यहाँ पे डाला है प्यूरी, जो आम की प्यूरी हमने आधी हटाई थी उसे डाल देना है। इसके 3 लेयर बन चुकी हैं, और ऊपर से जो स्लाइस में कटे हुए आम थे उसे डाल देना है डेकोरेशन में। और फिर इसे फ्रीजर में आधे घंटे के करीब रख दिया था, और ये देखिए सेट होने के बाद में देखिए कितने अच्छे से सेट हो जाता है। आप इसे डीमोल्ड भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बटर पेपर नहीं लगाया था, आप बटर पेपर पहले लगा दीजिएगा तो फिर आप इसे डीमोल्ड भी अच्छे से कर सकते हैं। और ये देखिए बनाया ना बिल्कुल ज़बरदस्त, और ये कितने आराम से सेट हो गया है और निकल भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और देख सकते हैं इसकी 3 लेयर अच्छे से सेट हुई है। तो आप भी बनाइए, इन्जॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए।